Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share how we manage our funds, how we do our budget planning. Budget planning, it's a crucial part of managing your home. So, ये budget planning मैं last 4 years से कर रही हूँ और बहुत successfully कर रही हूँ. Initially, जो मैंने budget planning start करी थी, वो मैंने just एक note करती थी कि मैंने क्या-क्या चीज़ ली है और कितने budget में मुझे करना है. But उसके बाद slowly मैंने उसको proper divide करा parts में कि मेरे कौन-कौन से fixed एक्सपेंसेस है, जैसे कि पर्सनल हो या ऑनलाइन आपके बिल्स हैं या इन्वेस्टमेंट है, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है मुझे अभी तक. और उसको मैं एक्सेल शीट पे हर वीकली संडे को एंटर करती हूँ कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, तो वो मुझे प्रॉपर एक आइडिया दे देता है कि कितना सेविंग्स एंड ऑफ मंथ कितनी सेविंग्स होनी है. सो आई एम गोइंग टू शेयर दीज थिंग्स विद यू गाइज कि मैं कैसे बजट प्लानिंग करती हूँ. आई रियली होप कि आपके लिए भी ये हेल्पफुल होंगे. बजट प्लानिंग से पहले मैं शेयर करूंगी कि गोल्स, हर एक पर्सन के अपने गोल्स होते हैं कि किसी को सेविंग्स करनी होती है अपना घर लेने के लिए, किसी को चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, किसी को कार लेनी है, व्हीकल लेना है, या आप ट्रैवल प्लान करना चाहते हो, हॉलीडेज पे जाना चाहते हो, या फिर आपको एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना है. तो कोई भी चीज़ आपको करनी है, चाहे आजकल लोन अवेलेबल होते हैं, बट स्टिल आपके पास एक अमाउंट होनी चाहिए सेविंग्स के लिए. तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे सेव करते हो. तो जो भी आपकी इनकम आती है, आप चाहते हो कि उससे थोड़ा पार्ट जो है आप सेव करो ताकि वो फ्यूचर में काम आए आपके लिए. तो हमेशा आप गोल्स बनाइए. जब भी आपके पास एक गोल होगा तो आपके पास एक ज़्यादा मकसद होगा कि आपको पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर. सो मोस्टली एक पर्सन के जो गोल्स होते हैं लाइफ में, वो यही होते हैं कि आपको ट्रैवल करना है, जब आपको अपना घर खरीदना है, आगे बच्चों की एजुकेशन पे पैसे के लिए आप सेव करते हो. तो ये जो है, ये बहुत कॉमन से गोल्स है जो ऑलमोस्ट सभी के होते हैं. सो नेक्स्ट चलते हैं इनकम पे. तो नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जो हमारी इनकम आ रही है उसमें से हम जितना खर्चा करेंगे, वो खर्चा निकाल के जो भी बचेगा वो हमारी सेविंग्स हो जाती है. वो चीज़ गलत है. आपको हमेशा ही बजट प्लानिंग के टाइम पे ये सोचना है कि जो आपकी इनकम आ रही है उससे पहले आप प्रॉपर आप एक यू नो पर्टिकुलर अमाउंट सोच लें कि आपको इतना सेव करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 25,000 सेव करना है पर मंथली, तो वो पहले से सेव कर ले, अलग से रख ले, ताकि जो बचे आपको उसमें से खर्चा करना है. अगर आप ये सोचोगे कि आपका जितना खर्चा आप करोगे उसके बाद जो बचेगा वो सेविंग्स होगी, तो वो बहुत ही यू नो एक तो आपको कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट करेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी. सो इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सेविंग्स पहले निकालनी है, उसके बाद जो बचता है उसमें से आपको एक्सपेंसेस कवर करने हैं. आपको जब भी आपको जैसे कि अगर आप एक नया घर स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी अभी नई शादी हुई है, जब आप एक न्यू हैं इन चीज़ों में घर चलाने में, तो आप ये ध्यान में रखना है कि आप थोड़ा एक दो मंथ लगेंगे आपको सारा फिगर आउट करते हुए कि आपके किस चीज़ पे कितना खर्चा हो रहा है. फॉर एग्जांपल, सब्जियों पे, जब आपके बिल्स पे कितना खर्चा हो रहा है, आपका पर्सनल कितना खर्चा हो रहा है. तो एटलीस्ट थोड़े महीने दीजिए ये जानने के लिए कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है. उसके बाद आप पूरा बजट प्लान कीजिए आपका. तो हमेशा पहले आप सेविंग्स निकालिए, उसके बाद आप जो बचता है उसमें से आपको खर्चा करना है. जैसे कि अब मुझे पता है कि मेरा खर्चा कितना होना है, तो मैं उसके हिसाब से अपना सारा बजट प्लान करती हूँ. सो नेक्स्ट कम्स टू वेरी प्रैक्टिकल थिंग, विच इज़ हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं. हमारे हर पर्सन की लाइफ में अपने अपने एक्सपेंसेस होते हैं. जो मेरा बजट है वो इसके अकॉर्डिंगली बना हुआ है. जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आती है ग्रॉसरी, आती है जो हर मंथ आनी है ग्रॉसरी, और उसको पर्टिकुलर मैं हमेशा अलॉट करती हूँ कि मुझे उसमें 4,000 रुपीज़ की ग्रॉसरी लेके आनी है. उसके बाद अब मैंने 2-3 महीने जब हमने बजट प्लान करना स्टार्ट करा था, तो मैंने फिगर आउट करा कि हमारे मंथली एवरेज कितनी होती है, वेजिस और फ्रूट्स कितने के आते हैं. तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जैसे सीजनल होते हैं, गर्मियों में आपकी फ्रूट इनटेक्स, वेजिटेबल इनटेक्स ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से आप बजट बनाएं. तो नॉर्मली जो एवरेज होती है वो है 2,000, तो हम लोग 2,000 उसका कैश आउट करवाते हैं. देन वैसे ही डेयरी का आपका दूध हो गया, ब्रेड हो गए, अंडे हो गए, या चीज़ हो गया, ये सारे कितने तक का आता है वो आप नोट करें. उसके बाद वीकेंड पे आता है. तो जैसे कि आप वीकेंड पे कोई मूवी देखने जाते हो, या डिनर के लिए जाते हो, लंच के लिए जाते हो, तो आप ये तो नहीं है कि आप हर वीक जाओगे, या एटलीस्ट 2 बार या 3 बार जब भी आप जाते हो उसके लिए आप अलग से लॉट कर ले कि आपको इतना खर्चा तब करना है. मैं नोट करती हूँ कि मुझे 2,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, तो मैंने इतना इसको लॉट कर रखा है. उसके बाद आते हैं ऑनलाइन बिल पे. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मुझे पता है कि साल में 12 महीने में से 10 महीने मेरा एवरेज बिल 1,000 रुपीज़ आएगा.
गर्मियों में थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, बट एवरेज जो है इसकी 1000 रुपीज़ तक का आता है। वैसे ही फ़ोन का बिल मेरा 500 तक का आता है, वैसे ही सेम मेरे हस्बैंड का 500 तक का आता है। तो वो है अगेन टीवी का कनेक्शन जो आपका होता है, आपका एयरटेल का है, टाटा स्काई का है, किसी का भी है, तो उसका जो एवरेज है मेरा 300 रुपये मंथली आता है, वैसे मैं करती हूँ। तो ये सारे जो बिल हैं मैं ऑनलाइन पे करती हूँ। और हमारा गैस कनेक्शन का बिल बहुत ही कम आता है, जैसे कि 200 रुपये मंथ का आता है, इससे कम ही होता है, तो बट इसका मैं हमेशा 200 रुपये लेके चलती हूँ। देन इंटरनेट का 600 रुपीज़ पर मंथ, और हाउस रेंट जैसे कि किसी का 20,000 होता है, 15,000, ये हो गया जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं। देन उसके बाद आते हैं पर्सनल पे। पर्सनल में जैसे कि मेरा अपना, हम लोग दोनों डिवाइड करते हैं कि हम जो भी हमारी इनकम है उसमें से हमें अपने आप को कितना पर्सनल खर्चा करना है। जैसे कि अगर मुझे शॉपिंग करनी है, ग्रूमिंग के लिए चाहिए, जब मुझे अपने चैनल पे कोई चीज़ें लेनी है, उसके लिए हम लोग अलग अलग से लॉट करते हैं। 6,000 मैं, 6,000 हस्बैंड, और जैसे कि हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनके लिए 6,000। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर मंथ शॉपिंग करते हो। अगर आप 4,000 की शॉपिंग कर रहे हो और उसमें से 2,000 बचता है, यू कैन यू नो कैरी फॉरवर्ड दैट मनी। तो इससे आपको एक अंदाज़ा रहता है कि आपने पिछले मंथ कितना खर्चा करा था और अगले मंथ कितना खर्चा करना है। सो जैसे कि ये है, ग्रोसरी हो गया, वेजीज हो गया, डेयरी हो गया, जब वीकेंड हो गया, ये ऑलमोस्ट हमारे डेली खर्चे होने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स लगा रखा है जिसमें 4 पार्ट्स हैं, और ये चीज़ हम लास्ट 4 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली ये चल रहा है। तो हमें अगर फ्रूट्स के लिए पैसे लेने हैं तो हम लोग फ्रूट और वेजीज से पैसे लेते हैं, और ग्रोसरी के है जैसे स्टार्टिंग में हमने 4,000 इसको लॉट कर रखा है, जितनी की ग्रोसरी आ गई और उसमें से जो बाकी पैसे बचते हैं, थोड़ी बहुत अगर सामान लेके आना है, दाल चावल कुछ लेके आना है, तो इसमें से लेंगे, डेयरी का इसमें से लेंगे, और वीकेंड पे जो बाहर जाना है इसमें से लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाय चांस आप बाहर हो, आप बाहर से सब्जी लेके आ रहे हो और आप खुद अपनी पर्सनल पॉकेट से वो पैसे खर्च कर रहे हो, तो आप बाद में से इसमें से ले सकते हो। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है, बट प्रैक्टिकल है ये तरीका। इट्स ऑलमोस्ट 15th ऑफ दिस मंथ, तो काफ़ी खर्चा हो चुका है और आप देख सकते हो इसमें से काफ़ी चेंज पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज। इसका जो खर्चा हो गया टोटल वो है 45,600, विच इंक्लूड्स आर पर्सनल फैमिली एक्सपेंसेस एज वेल। तो ये जो सारा खर्चा है, जैसे कि जो वीकली या डेली बेसिस पे होता है, वो हम कैश आउट करवा के उस बॉक्स में रख लेते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और ये है ऑनलाइन बिल जो आप ऑनलाइन पे करते हो। उसके बाद चलते हैं मिसलेनियस खर्चे, जो कि आपको कई बार एक्स्ट्रा आ जाते हैं खर्चे, जो इमरजेंसी कोई खर्चा आ जाता है, उसके लिए हम अलग से 2,000 रुपीज़ लगते हैं, जो कवर करता है मेडिकल प्लस आपकी कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग, आपका घर का सामान है। तो अगर आप 2,000 एवरी मंथ निकालते हो इसके लिए अलग से, तो वो आगे जाके काम आते हैं। जैसे कि अगर आपको 2-3 महीने बाद शॉपिंग करनी है, तो वो फॉर एग्जांपल आपके पास 4-5 हज़ार रुपये हो जाते हैं, जिससे आप घर के लिए शॉपिंग कर सकते हो। तो ये जो है, ये मिसलेनियस खर्चा है जो अलग से हमेशा हम कैश आउट करके रखते हैं इसका। सो नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेविंग्स का। तो आप सारा खर्चा ये करते हो, मिसलेनियस का खर्चा करते हो, जो आपने फिक्स्ड जो आपके एक्सपेंसेस हैं मंथली वो करते हो, उसके बाद आपके पास बचते हैं पैसे और आप वो रहते हैं आपके बैंक अकाउंट में, बट जो कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इट्स यू नो एक आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे वो वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ये ट्राई करें कि वो पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट करें कहीं पे, जिससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आए, जो थोड़ा आपको ज़्यादा सेविंग्स दे सके। सो जैसे कि आप होम ईएमआई आपकी जा रही है, वो एक काइंड ऑफ आपकी सेविंग्स है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो इसका जैसे कि आप कर सकते हो कि आपकी 15,000 अगर वो जा रही है, आपने घर लेना है उसके लिए सेव कर रहे हो डाउन पेमेंट के लिए, जहाँ आपने घर ले लिया है उसके लिए आप अलग से इतना अपने सैलरी के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से उसको सेव कीजिए। म्यूचुअल फंड, जिसमें 5,000 अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें जो रिस्क होता है काफ़ी मिनिमल सा होता है, बट जो रिटर्न्स होते हैं वो हाई होते हैं, जो कि एक आपको अच्छी सेविंग्स देते हैं। वैसे ही LIC का, उसमें अगर आप थोड़ा सा दे रहे हो हर मंथ 3,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, सो LIC जो है वो आपकी कवर करती है आपकी चाइल्ड एजुकेशन में हेल्प करेगी, देन आपकी एक यू नो आप ओल्ड एज में, ये छोटी छोटी प्लानिंग्स हैं जो आपके फ्यूचर में काम करती है। देन देयर इज़ लाइक लाइफ इंश्योरेंस,
नेक्स्ट कम्स टू FD. तो FD में फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 भी करते हो तो ये जो है LIC FD ये आप थोड़ी सी लो रिस्क हैं प्लस ये लो रिटर्न देती है आपको. और म्यूचुअल फंड से मीडियम रिस्क है, थोड़ा सा होता है बट इसमें रिटर्न जो है वो हाई होती है. तो इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ सेविंग्स. सो अपार्ट फ्रॉम यू नो कीपिंग योर मनी इन बैंक, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, योर इनकम इन दीज थिंग्स. सो यू नो आपके जो गोल्स है आपको उस को अचीव करने में आपके काफ़ी हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी वर्क. लेट्स कम टू दिस. सो फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 1 लाख है एंड आप उसमें से सेविंग्स एटलीस्ट 25,000 की कीजिए. देन आपको थोड़े टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि आपके जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं घर में, जो आपका खर्चा होने वाला है, वो टोटल मिला के 45,600 या 46,000 आप बोल सकते हैं वो होगा. मिसलेनियस जो है वो है 2,000, जिसमें आपका मेडिकल आ गया, जो आपको कोई शॉपिंग करनी है किसी के लिए वो है, और इन्वेस्टमेंट जो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स है 25,000. तो आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हो अपने बजट प्लान पे. सो जैसे कि मैंने इनिशियली बोला कि जो आपकी एक प्रॉपर बजट प्लानिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस. सो जैसे कि अगर आपकी 1 लाख है और सेविंग्स जो है आप 25,000 कर रहे हो तो उसमें से कितना बचा आपको 75,000. तो 75,000 में आपको अपनी आगे की इन्वेस्टमेंट करनी है प्लस आपको अपने हाउस एक्सपेंसेस कर निकालने हैं. सो दिस इज़ हाउ वी वर्क. हम लोग कैसे वर्क करते हैं पूरे एक्सेल शीट पे, और एवरी संडे वी पुट डिटेल्स की जो हमारा ग्रोसरी में कितना खर्चा हुआ है, वेजेस में कितना हुआ, डेयरी में, वीकेंड में, एक्स्ट्रास. तो ये है सारा, हम इस पर वर्कआउट करते हैं. ये जैसे दीपक का है, चाहे ये मेरा है, खर्चा के कैसे है, LIC के लिए कैसा जाता है, ये सारा खर्चा हम ऐसे अपनी एक्सेल शीट पे वर्कआउट करते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज आवर फंड्स, दिस इज़ हाउ वी प्लान आवर बजट एंड वर्किंग टूवर्ड्स आवर गोल्स स्लोली एंड स्टडीली. एंड आई रियली होप कि आपके लिए बजट प्लानिंग आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी. एंड दिस इज़ हाउ वी वर्क. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू सून. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटिफुल. बाय.